उत्तरी व उत्तर पूर्वी बर्फीली हवाओं के कारण लगातार दूसरे दिन ठंड का असर देखने को मिला। रविवार के बाद सोमवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम था, और पिछले दो दिनों से इंदौर शहरवासी तेज सर्दी का असर महसूस कर रहे हैं। उत्तरी पूर्वी हवाओं के असर से रविवार के बाद सोमवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही है और इस सीजन में दूसरी बार पारा 10 डिग्री के नीचे गया। सुबह धुंध का असर रहा और दृश्यता 2000 मीटर तक दर्ज हुई। सुबह धूप भी खिली। सोमवार को दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 22.4 डिग्री दर्ज किया गया। रात का तापमान 8 डिग्री तक जाने की संभावना जताई गई और इंदौर में सीजन में अधिकतम तापमान भी पहली बार 22 डिग्री के आसपास रहा। इसके पहले 25 दिसंबर को अधिकतम तापमान में 23 डिग्री ये पहुंचा था और दिन में उत्तर और उत्तर पूर्वी हवाएं 16-18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मंगलवार को शहर में अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हिमालय क्षेत्र से तेज गति से आई बर्फीली हवाओं के कारण इंदौर के तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली और इसके असर से अगले 2-3 दिन रात के तापमान में गिरावट बरकरार रहेगी।